हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करते हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, मतलब अगर आपके बजट 40,000 में है, मतलब 40,000 के आसपास है, या फिर अंडर में है, या फिर बजट सिर्फ 40,000 है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं एक अच्छा वाला लैपटॉप, मतलब आप ऑफिस के काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स हो, या फिर कुछ मतलब कुछ ग्राफिक्स वाला काम करें या फिर एडिटिंग वगैरह काम करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, तो लैपटॉप्स खरीदना चाहते हो, वो भी 40,000 के आसपास खरीदना अगर चाहते हो, तो आप ढूंढ रहे हो कौन सा वाला चाहिए। तो पहले आप क्या देखते हो, मतलब उसके परफॉर्मेंस क्या है, उसका फीचर्स क्या है, मतलब वो कितना, उसका स्क्रीन क्या है, रैम वगैरह क्या देता है, और उसका चार्जिंग वगैरह क्या है, कितना टाइम तक वो चार्जिंग हमें दे रहा देगा, या फिर मतलब कितना टाइम तक अब उसके साथ काम कर सकते हो, मतलब आपके बजट के हिसाब से आप अच्छा वाला लेना चाहते हो। तो मैं कुछ लैपटॉप आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि 40,000 के अंडर में है, मतलब टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप लेकर आई हूँ जो कि 40,000 में है, तो आप देख लो पहले। तो पहला नंबर पे आते हैं जो HP की 15 मतलब तरफ से 15 HP 15 वाला है, वो थिन और लाइट वाला है क्योंकि वो HP वाला है। तो 8 GB रैम, और चाहते हो उसको रैम को बढ़ाने के लिए तो 16 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। 1 TB HDD के दे रहा है, और हम स्क्रीन साइज की बात करें तो 15.6 Full HD स्क्रीन आपको दे रहा है, काफ़ी बड़ा वाला उसका स्क्रीन है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़ 10 वो होम में दे रहे हैं, और MS Office पावर पॉइंट एक्सेल वगैरह आपको मिल जाएगा, और विथ वो 1 ईयर वारंटी के साथ दे। अगर मान लो अगर 1 साल में आपको कुछ ख़राब हो गया तो वो आपको रिप्लेस कराया के आपको दे दे रहा है। और CPU के मॉडल की बात करते तो वो Ryzen 3 में दे रहा है, मतलब प्रोसेसर की बात करें मतलब AMD Ryzen में वो दे रहा है। और हम बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, उसकी बात कर लेते हैं, वो मतलब आपको 12 घंटे तक तो काम करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप 12 घंटे तक तो काम नहीं कर सकते ना, उसीलिए आपको मतलब आप मतलब बेसिकली आप 7 आवर 8 आवर तक 7 घंटा मतलब 7-8 घंटा तक तो आप लगातार काम कर सकते हो। वो फास्ट चार्जिंग वाला है, 1 kg का वो है, काफ़ी अच्छा वाला है। तो सेकेंड नंबर पे आते हैं HP की 250G7 में आता है, मतलब वो 10th जनरेशन वाला है, और उसका प्रोसेसर इंटेल कोर i3 वाला है, 4G मतलब 4 GB रैम के साथ। और हम बात करते हैं वो मतलब 512 में मतलब 512 में वो GB तक वो हमें SSD दे रहा है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं विंडोज़ 10 में है, और 1 ईयर की वारंटी। स्क्रीन साइज की बात कर लेते हैं, 15.6 इंचेस की वो स्क्रीन साइज, आप उसके साथ 7 मतलब 7 घंटे तो काम कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो उसके मतलब इस बजट से और अच्छा वाला तो आगे देख सकते हो। तीसरा नंबर पे डेल वाला, वो मतलब प्रोसेसर की बात करते हैं वो इंटेल कोर i3 में दे रहा है, और हमें डेल लैटिट्यूड वाला है, वो 3510 में है। वो प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर i3 में दे रहा है, 8 GB रैम तक दे रहा है, 1 TB HDD में दे रहा है, और स्क्रीन साइज की बात करें वो 15.6 इंचेस HD वाला स्क्रीन दे रहा है, Full HD स्क्रीन वाला दे रहा है। और वारंटी वो 1 ईयर वारंटी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वेट वगैरह की बात करें 2 kg में वो दे रहे हैं, अच्छा काफ़ी अच्छा वाला है। तो आप मतलब 4th नंबर पर देख लो, लेनोवो V14 वाला है, और हमें बात कर लेते हैं इंटेल कोर i3 8th जनरेशन में वो दे रहा है, प्रोसेसर 8th जनरेशन में दे रहा है, और उसका स्क्रीन साइज बात करें तो वो 14 इंचेस का वो HD स्क्रीन दे रहा है, थिन एंड लाइट लैपटॉप है। और हम बात कर लेते हैं वो 4 GB रैम और 1 TB HDD में वो दे रहा है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते तो विंडोज़ 10 होम में वो दे रहा है, होम में मतलब आपको अगर आप PPT वगैरह करते हो, काम ऑफिस के कुछ काम कर रहे हो, तो आपको ये एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह आपको मिल जाएगा। और हम वेट की बात करते हो, 1.6 kg का वाला है, वारंटी 1 ईयर की। और बैटरी बैकअप की बात करते हो, 5 से 6 घंटे तक आप उसके साथ काम कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड ऊपर से मेमोरी कार्ड सपोर्ट वो 12 GB तक मतलब 12 GB तक आप लगा सकते हो। ये मतलब आपको ये 37,000 में पड़ जाएगा। जो पहला वाला था HP वाला वो आपको 36 में पड़ जाएगा, दूसरा वाला वो भी HP वाला था वो 39 में पड़ जाएगा, तीसरा वाला डेल वाला 39,000 में आपको पड़ जाएगा। तो 5th नंबर पे आते हैं आसस वीवो बुक वाला है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 मतलब होम में दे रहे हैं,
उसमें सब है, अब मतलब पावर पॉइंट वगैरह सब मिलेगा। स्क्रीन साइज है आपको 15.6 इंचेस वाला है। एंड हार्ड डिस्क वाला बात करें तो SSD मतलब प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स AMD राइजन वाला है 3। और हमें वेब कैमरा वगैरह, वाईफाई वगैरह, और ब्लूटूथ वर्सन की बात करें 4.2 में है। आई केयर मोड में है, मतलब है उसमें आई केयर मोड, मतलब आप जितने टाइम तक उसके साथ काम कर लोगे उसके एक रिफ्लेक्स वाला मतलब एक लाइट आता है वो आपको आँखों को केयर कर लेगा, मतलब आपको आँखों को कुछ नुकसान नहीं होगा। तो 12 GB रैम स्टोरेज की बात करते वो 26 मतलब 56 GB तक वो स्टोरेज दे रहे हैं। बैटरी बैकअप आपको मिनिमम 5 से 6 घंटा तक आप उसके साथ काम कर सकते हो। ये जो 5 लैपटॉप्स मैंने बताई उसमें मतलब आपको ये वाला मिलेगा, मतलब जो कहते हैं ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई वगैरह, मतलब उसके साथ कनेक्ट कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो आप 5 देख लो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर उसमें देख लेना। अगर आपको कौन सा अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना। और ये सब अमेज़न में अवेलेबल है, अमेज़न फ्लिपकार्ट में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर उसमें देख लो, चेक कर लो। कभी कभी ऊपर नीचे तक हो जाता है तो आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला, मतलब और भी फीचर्स अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। मैं कुछ इस मतलब डाटा लेकर आई थी तो आपको देने के लिए, तो बता दिया 5 वाला, ये आपको 40,000 के अंडर में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं रोज़ इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पास में जो बेल नोटिफिकेशन है आपको उसे ऑल कर देना ताकि मैं जब नई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। मैं रोज़ इस तरह का वीडियो लेकर आती हूँ और आप चाहे तो कमेंट में बताना आपको कौन सा वाला अच्छा लगा, कौन सा वाला लैपटॉप अच्छा लगा, तो उसका फीचर्स कौन सा वाला अच्छा लगा। अगर आप चाहते हो और कौन सी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में बताना। अगली वाली वीडियो में क्या लेकर आऊँगी।